गाइज, आप लोग गूगल एड्स में पैसा तो ऐड करते हो, लेकिन किस चीज से? डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से? लेकिन स्क्रीन पे आप देखो, मैं ऐड करता हूँ फोनपे से, ठीक है? लेकिन आप फोनपे से कैसे ऐड कर सकते हो पैसा, इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। क्योंकि गाइज, यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक ट्रांसफर और नेट बैंकिंग, काफ़ी सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं यूज करता हूँ फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह। तो इस तरीके का आप कैसे पैसा को ऐड कर सकते हो अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर, तो चलिए आज इस वीडियो में लाइव यहाँ पे सब कुछ आपके सामने करके दिखाऊंगा। इसलिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी करना बनता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और चलो वीडियो की ओर आगे बढ़ता हूँ। तो ये देख सकते हो मेरा गूगल एड्स का अकाउंट है गाइज, और यहाँ पे ऐड फंड पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ और देख सकते हो यहाँ पे क्या है, मास्टर कार्ड मेरा ऑलरेडी पहले से ऐड है डेबिट कार्ड का, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चेंज वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है? अब यहाँ पे ऑप्शन मुझे तीन मिलता है। पहला ऑप्शन क्या है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, दूसरा ऑप्शन है नेट बैंकिंग, और तीसरा ऑप्शन है बैंक ट्रांसफ़र। लेकिन गाइज, यहाँ पे फ़ोनपे गूगल पे का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं ऐड कैसे कर रहा हूँ? रुको, मैं बताता हूँ। इसे क्या करना है, जैसे आपका पेड मेथड है, इसे क्या करो, बंद कर दो, ठीक है? और जो आपका गूगल एड्स अकाउंट लैपटॉप में ओपन है, आप एक डिवाइस लो, अपने मोबाइल फ़ोन, ये मेरे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर मैं गूगल एड्स का एप्लीकेशन, ऑफिशियल जो होता है गूगल एड्स का एप्लीकेशन, मैंने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे गाइस, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, ठीक है? तो कुछ इस टाइप से एप्लीकेशन यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे थ्री डॉट पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद बिलिंग पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो शायद गाइस यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा, ब्लैक हो गया होगा, क्योंकि गूगल एड्स जो है यहाँ पे अलाउ नहीं करता है। कोई बात नहीं, मैं दूसरा तरीका यहाँ पे यूज करता हूँ, और अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्ड को बंद करता हूँ, और ये फ़ोन को अभी मैं क्या करता हूँ, लैपटॉप के ऊपर स्टैंड बना देता हूँ, ठीक है? और ये सेकेंडरी फ़ोन से चलो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो, ये मेरा लैपटॉप स्क्रीन रहा, 1365.18 शो कर रहा है यहाँ पे, और ये मेरा रहा मोबाइल फ़ोन। देख सकते हो, अभी मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो यूज़र आईडी है गाइज, ये मेरा लैपटॉप का कुछ इस टाइप से आनंद रॉय, डॉक्टर आनंद रॉय करके है, और ये मेरा मोबाइल फ़ोन में भी सेम है, देख सकते हो डॉक्टर आनंद रॉय, ठीक है? मेल आईडी आपको दिख गया होगा। तो मैंने मेल आईडी जो लैपटॉप में लॉगिन है, वही मोबाइल फ़ोन में लॉगिन कर रखा है। और इस तरीके से क्या करना है, आपको यहाँ पे ओपन करना है, आपको आईडी पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, एंड गाइस नीचे थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, और गाइस यहाँ पे बिलिंग पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है? अब गए यहाँ पे क्लिक करने के बाद, जैसे देख सकते हो, 1345 रुपया शो कर रहा है, और यहाँ पे 1365 रुपया। तो भाई ऐड यहाँ पे रन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पैसा अपडेट हो गया, और अभी यहाँ पे लैपटॉप में अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है? मैं फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, शायद अपडेट हो जाए। तो अभी अपडेट शायद नहीं किया गया है, और यहाँ पे अपडेट हो गया है। तो देख सकते हो मेन यहाँ पे हम लोग क्योंकि फ़ोनपे से कैसे यहाँ पे पैसा ऐड कर सकते हैं। तो ऐड फंड पे क्लिक करेंगे गाइस, तो जैसे ही ऐड फंड पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद कुछ इस टैप से शो आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ़ोनपे से पेमेंट कर रखा है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपका शो कर रहा हो, यहाँ पे चेंज ऑप्शन पे क्लिक करना, और पे विथ यहाँ पे UPI का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपके फ़ोन में जितने सारे एप्लीकेशन हैं पेमेंट मेथड का, ठीक है, पेमेंट करने का, जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, अमेजन पे, भारत पे, और भी जैसे पेटीएम हो गया, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे आपके फ़ोन में, फ्री रिचार्ज हो गया, तो ये सब सारा कुछ यहाँ पे शो कर जाएगा। जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरे दूसरे फ़ोन में यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे शो कर रहा है, इसमें बहुत कम एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे 3 शो कर रहा है, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे फ़ोनपे से पेमेंट करने वाला हूँ, तो फ़ोनपे पर मैं क्लिक करूँगा गाइस। क्लिक करने के बाद जैसे कि देख सकते हो अदर पेमेंट पे, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 499 रुपये ऐड करूँगा, तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि मिनिमम यहाँ पे 500 रुपये आपको ऐड करना है, ठीक है? तो 500 रुपये ऐड करता हूँ, कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, और देख सकते हो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आ गया गाइस, ठीक है? और उसके बाद मैं कुछ सिक्योरिटी पर्पज से कहा यहाँ पे ब्लर में कर रखा हूँ, ठीक है? देख सकते हो 500 रुपये यहाँ पे ऐड हो रहा है। ऐड फंड पे मैं क्लिक करता हूँ। अब गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है। तब तक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि देख सकते हो यहाँ पे गूगल पे यहाँ पे चलते हैं गाइस, और ये देख सकते हो अभी यहाँ पे 1300 कुछ रुपये शो कर रहा था ना, तो ये जो फंड है यहाँ पे सबसे पहले अपडेट हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पे 1345 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बिलिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं गाइस, तो देख सकते हो अभी 1365 यहाँ पे शो कर रहा है, सेम अभी अमाउंट आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपडेट होगा। अब आ गया गाइस रिडायरेक्ट होकर, अब देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं पेमेंट करने वाला हूँ। पे पे मैं क्लिक किया, एंड चलो UPI डालते हैं कुछ इस तरीके से। UPI मैं यहाँ पे फिल कर दिया हूँ, एंड गाइस डन। देख सकते हो गूगल एड्स यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है,
और गया यहाँ पे बिल्कुल डन हो गया आपके आँखों के सामने। एंड डन पे मैं फिर से क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे डन हो गया है, ओके। देख सकते हो मेरा बैंक से 500 रुपया कट भी गया है, आपको शो कर रहा होगा, दिख गया गाइस। अब देख सकते हो यहाँ पे अभी अपडेट नहीं किया है, मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करना चाहता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मैं फिर से चलता हूँ बिलिंग एंड पेमेंट मेथड के अंदर। उसके बाद देख सकते हो गाइस यहाँ पे 500 रुपया अब यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिख गया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, कैमरा को बंद करता हूँ, ठीक है। अब देख सकते हो लैपटॉप पर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो गाइस रिफ्रेश मैंने किया, उसके बाद यहाँ पे भी आपको शो कर जाएगा कि पैसा यहाँ पे लास्ट यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो शो कर रहा है कि यहाँ पे ऐड हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं किया है। तो गूगल ऐप्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड आपको मैंने दिखाया था कि सबसे पहले अपडेट यहाँ पे करता है। तो देख सकते हो 1845 फ़ोन में भी शो कर रहा था, अब यहाँ पे 1845 लैपटॉप में भी शो कर रहा है, ठीक है। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से आप फ़ोनपे गूगल पे से पेमेंट को ऐड कर सकते हो। तो अब आपको कभी भी फ्यूचर में गूगल एड्स के अंदर पैसा को ऐड करने में दिक्कत नहीं आएगी और जल्द से जल्द ऐड कर लोगे। लेकिन गाइस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि मैं गूगल एड्स का बहुत सारा टिप एंड ट्रिक्स, बहुत सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता रहता हूँ, क्योंकि मैं 4 साल से गूगल एड्स के ऊपर वर्क कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं एक ऐड एक्सपर्ट भी हूँ। जैसे कि आप लोग पैसा 500, 1000, 2000 लगाते हो, लेकिन आपने कुछ वीडियो को देख कर आए होंगे, लेकिन हम लोग इसका कोर्स ज्वाइन किए हैं और 4 साल इसमें मेहनत किए हैं, कस्टमर का, क्लाइंट का वर्क किए हैं, तब जाकर इतना एक्सपीरियंस आया है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई एक्सपर्ट से आप ऐड अपना लगाओ चैनल के लिए, या फिर किसी भी ऐड को लगाना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर लेना। ऐड लगाने का बहुत कम चार्जेज है, बाकी जो पैसा लगेगा जितने ऐड में लगाओगे वही आपका पैसा लगने वाला है। कुछ ही चार्ज लेंगे ऐड लगाने का, तो क्या चार्ज लगने वाला है, क्या क्या सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो जाकर आप जानकारी ले सकते हो। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। तो बस गाइस आज की वीडियो इतने थे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो बस आज की वीडियो इतना ही था, मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय गाइस।